स्वागत है आपका टीपू सुल्तान यूट्यूब चैनल में। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला राज्य बनने को तैयार है। प्रदेश के तीसरे कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इंटरनेशनल उड़ान की अनुमति मिल गई है। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जल्द ही कुशीनगर एयरपोर्ट से इंटरनेशनल उड़ान शुरू करने जा रही है। केंद्र और राज्य सरकार वर्ष 2022 तक अयोध्या और 2024 तक जेवर से भी अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं शुरू करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव और निदेशक उड्डयन के पद पर तैनात रहे IAS अधिकारी सुरेंद्र सिंह को मेरठ का कमिश्नर बनाकर जेवर एयरपोर्ट के निर्माण में गति देने की योजना बनाई है। देश में इस समय कुल 34 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं। सबसे अधिक 4-4 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तमिलनाडु और केरल राज्य में हैं। उत्तर भारत के किसी भी राज्य में 2 से अधिक एयरपोर्ट नहीं है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ वाराणसी और लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं। मात्र 3 वर्ष में गोरखपुर, हिडन, आगरा, प्रयागराज और अब बरेली सहित 5 अन्य एयरपोर्ट क्रियाशील हो गए हैं। यही नहीं, देश के सबसे बड़े प्रदेश में मात्र 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे, लेकिन कुशीनगर और अयोध्या एयरपोर्ट के साथ बहुत जल्द यहां 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। 21 एयरपोर्ट और 7 हवाई पट्टियों के क्रियाशील होने की प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने वर्ष 2017 में यूपी की सत्ता संभालते ही प्रदेश में एयरपोर्ट निर्माण की दिशा में तेजी से काम करना शुरू कर दिया था। इसके लिए केंद्र सरकार से सामंजस्य बनाने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री विभाग में प्रमुख सचिव SP गोयल को दी। बाद में वाराणसी के जिलाधिकारी रहे सुरेंद्र सिंह को अपने कार्यालय में विशेष सचिव, अब सचिव और निदेशक उड्डयन की जिम्मेदारी सौंपकर यूपी में हवाई अड्डों के विकास में तेजी लाने की योजना तैयार की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की प्रयास से यूपी में जेवर एयरपोर्ट नोएडा के रूप में एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट की नींव पड़ चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने सोमवार 1 मार्च को जेवर एयरपोर्ट के लिए यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के बीच राज्य समर्थित समझौते के हस्ताक्षरित होने के मौके पर परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इसके अगले ही दिन योगी आदित्यनाथ सरकार ने मुख्यमंत्री कार्यालय में सचिव रहे सुरेंद्र सिंह को मेरठ का कमिश्नर बना दिया। पश्चिमी यूपी में जाट और किसान आंदोलन से निपटने के साथ योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट जेवर एयरपोर्ट के निर्माण को गति देने में भी सुरेंद्र सिंह की बड़ी भूमिका रहेगी। एयरपोर्ट के निर्माण के कारण विस्थापित आबादी के पुनर्वास के लिए जेवर बांगर में 48.0979 हेक्टेयर भूमि का प्रबंध कर लिया गया है। आबादी के पुनर्वास के साथ यहाँ पर सभी जरूरी सुविधाएँ मुहैया कराने की सीधी निगरानी सुरेंद्र सिंह के जिम्मे होगी। नोएडा एयरपोर्ट में कुल 5 रनवे होगा। वर्तमान में 2 रनवे के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। बाकी 3 रनवे के लिए 3,418 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित हो जानी है। नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक गौतम बुद्ध नगर जिले में जेवर में विकसित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का पहले फेज का काम पूरा करने के साथ ही विमान सेवाएँ शुरू कर देने का लक्ष्य रखा गया है। यूपी के कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन DGCA ने 23 फरवरी को सभी औपचारिकताएं पूरी करते हुए अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का लाइसेंस जारी कर दिया है। यह कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का तीसरा और देश का 87वां लाइसेंसी वाला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन गया है। यहाँ से अब देशी विदेशी पर्यटकों के साथ पूर्वांचल सहित पश्चिमी बिहार और नेपाल के सीमावर्ती लोगों को आने और जाने में सुविधा हो जाएगी। इससे पहले कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू करने में डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन DGCA की आपत्तियां लाइसेंस में बाधक बन रही थीं, जिसके चलते एयरलाइंस कंपनियां उड़ान के लिए आने से कतरा रही थीं। 3 महीने पूर्व DGCA की टीम ने एयरपोर्ट का दौरा किया। टीम ने 50 से अधिक बिंदुओं पर खामियाँ पाई थीं। साथ ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को नोटिस देकर आपत्तियाँ दूर करने को कहा था। आपत्तियाँ दूर कर AAI ने पुनः लाइसेंस के लिए DGCA के सामने अर्जी दी। जांच के बाद DGCA ने लाइसेंस जारी कर दिया है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निदेशक KK द्विवेदी बताते हैं कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 4C कैटेगरी में लाइसेंस मिला है। यह लाइसेंस रनवे और जहाज की कैटेगरी को लेकर जारी किया गया है। यहाँ छोटे से लेकर बड़े जहाज आसानी से आ और जा सकते हैं। इस एयरपोर्ट से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों प्रकार की उड़ानें होंगी।
दूसरी तरफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एयरलाइंस कंपनियों को कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने के लिए आमंत्रित किया है। स्पाइसजेट, इंडिगो, गो एयर, एयर इंडिया, थाई एयरवेज, मिहिर लंका समेत दो दर्जनों से अधिक देशी विदेशी कंपनियों को न्योता भेजा गया है। एयरलाइंस कंपनियां संपर्क में हैं।